नमस्ते छात्रों, कैसे हो। ये प्रश्नावली 3.2 है, कक्षा 9 के गणित का प्रश्नावली 3.2 है और इसमें जो भी सवाल पूछा गया है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, पहले सवाल का पहला भाग क्या पूछ रहा है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। कार्तीय तल क्या होता है, ऊर्ध्वाधर क्या होता है, क्षैतिज क्या होता है, पहले ये तीनों शब्दों को जानिए। कार्तीय तल का मतलब होता है वाई अक्ष और एक्स अक्ष से बना हुआ जो ये तल आपको दिख रहा है ना, आप कहीं भी बना दीजिए, कॉपी पर, जमीन पर, छत पर, कहीं भी, तो इसको हम कार्तीय तल कहेंगे। अब बात, पहले सवाल का जवाब आपको मैं बता रहा हूँ कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। क्षैतिज दिशा का मतलब होता है, जैसे कि कोई एक कार सड़क पर बहुत तेज़ी से भागते जा रही है, बहुत स्पीड से जा रही है, तो वो कार जिस दिशा में जा रही है वो दिशा क्षैतिज हो गई। जिस दिशा में हम मोटरसाइकिल चलाते हैं वो क्षैतिज हो गई। लेकिन दीपावली के दिन आप जिस दिशा में रॉकेट छोड़ते हैं सीधे आसमान में ऊपर की तरफ, वो दिशा क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर दिशा हो गया। तो अब आप क्षैतिज का मतलब, ऊर्ध्वाधर का मतलब समझ जाएंगे, ठीक है। क्षैतिज का मतलब हुआ आपके बाइक की दिशा, साइकिल की दिशा, कार की दिशा, और ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा, ऊर्ध्वाधर का मतलब हो जाएगा ये रॉकेट वाली दिशा जो सीधे ज़मीन से आसमान की तरफ जाती है। क्लियर, समझ गए आप। तो अब आप इसमें भी समझ गए होंगे कि ये वाला जो एक्स अक्ष है यही क्षैतिज है। क्या है, ये क्षैतिज है, ठीक है, और ये वाई अक्ष है, तो ये ऊपर नीचे है तो ऊर्ध्वाधर, ठीक है। वैसे ऊ से ऊर्ध्वाधर और ऊ से क्या होता है ऊपर, अगर आप ट्रिक याद करना चाहें, ऊ से ऊर्ध्वाधर और ऊ से ऊपर, यानी ऊपर जाने वाली रेखा ऊर्ध्वाधर, बाकी जो बच गई है वो क्षैतिज हो गई, समझ गए। तो ये एक ट्रिक है, आप इसको चाहे तो दिमाग में रख सकते हैं। इसमें पूछा कि उनका नाम क्या है, तो लिखेंगे आप यहाँ पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। क्षैतिज रेखा का नाम एक्स अक्ष है, कौन अक्ष है, एक्स अक्ष है। ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या होगा, ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम, ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम, ऊपर से नीचे वाली ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहेंगे। आपने बता दिया पहले के पहले सवाल का जवाब कि भाई क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहेंगे, पहले सवाल का जवाब हो गया। अब पहले का दूसरा देखिए, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। इन दो रेखाओं के बने तल के प्रत्येक भाग का नाम, तो एक दो तीन चार भाग है ना, तो मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि इनका नाम बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक, इनकी तरफ अपना मुंह कर लेंगे, हाथ उठा लेंगे, फिर दाहिना हाथ उठाएंगे, फिर मारेंगे ऐसे। तो ये जो पहला मुक्का लगेगा ये आपका प्रथम चतुर्थांश, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, आप समझ गए। अब जब यहाँ पर हो गया तो ये हाथ उठा ही रहेगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, इस दिशा में हम घूमेंगे, तो ये क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश, याद रहेगा ना बेटा, द्वितीय चतुर्थांश। अब हम फिर ऐसी दिशा में आएंगे नीचे, तो ये जो हमने लिख दिया है यहाँ पर, ये जो जगह है पूरा, ये तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, समझ में आ रहा, बोलिए। अब फिर हम जब ऐसे चल ही रहे हैं तो फिर हम ऐसे पहुँचेंगे यहाँ, तो ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश कहलाएगा,
ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश, क्लियर। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इसको ढंग से समझ रहे हैं और कमेंट में भी आप लिखेंगे कि आपको कितना बेहतर समझ में आ रहा है। अब मैं आपको इसका अगला पार्ट, पहले का तीसरा पार्ट क्या बोलता है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ से ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। ये रेखा क्षैतिज वाली और ऊर्ध्वाधर वाली रेखा जहाँ एक दूसरे से प्रतिच्छेदित हो रही है ना, इस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। इसको हम जीरो कामा जीरो से दर्शाते हैं और इसको बोलते हैं मूल बिंदु। तो चित्र के अंदर मैंने सारा उत्तर लिख दिया, लेकिन जब आप कॉपी में लिखेंगे तो पहले का पहला ये, पहले का दूसरा आप डाल के, पहले का तीसरा डाल के लिख दीजिएगा, ठीक है। पहले का तीसरा, इसको तीसरा क्या उत्तर होगा, मूल बिंदु, ठीक है। और दूसरे का उत्तर क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश, याद आ रहा बेटा, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। मैंने ऐसे लिखा, गूंज दिया है, मैंने लिखा नहीं, लेकिन आप लिखिएगा ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ठीक है, क्लियर है। आप अपनी कॉपी में लिखिएगा तो ढंग से लिख लीजिएगा। अब मैं आपको इसी का दूसरा सवाल बताता हूँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत अच्छा लगेगा मुझे उसे बताते हुए, ठीक है। तो चलिए उसकी भी शुरुआत करते हैं। तो इस प्रश्नावली का ये दूसरा सवाल देखिए, ध्यान से, ध्यान से देखिए, बहुत ही लाजवाब है, एकदम मज़ा आ जाएगा, बस आप समय दीजिए मुझे, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, पूछा है आकृति देखकर, इसी आकृति को, इसी चित्र को देखकर निम्नलिखित को लिखिए, बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, उसके बाद सी के निर्देशांक। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, उसके बाद आप खुद बताने लगेंगे। बी का निर्देशांक यानी बी को पकड़ लीजिए, इसे एक अंगुली से बी को हमने पकड़ लिया। अब इसका निर्देशांक क्या है, ये जो डॉट 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 डोरी गई है ना, ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम अगर ए बी सी डी बोलेंगे तो पहले यक्स आएगा तब वाई आएगा, इसका मतलब पहले यक्स अक्ष की तरफ चलेंगे हम, इस बी से, इस बिंदु से, इस बिंदु से बी की यक्स अक्ष पे आओ, आ जाओ, आ जाओ, यहाँ देखिए माइनस पाँच है ना, ये क्या माइनस पाँच, यक्स के बाद अब किसका नंबर आया, वाई का, अब तो वाई की तरफ चलिए, ये दो है, तो यक्स का पहले लिखते हैं, वाई का बाद में, यानी माइनस पाँच कामा दो। तो हम पहले का उत्तर क्या लिखेंगे, माइनस पाँच कामा दो। अब हम दूसरे का उत्तर सी के निर्देशांक, अब यहाँ है सी को पकड़ लिया हमने, तो सी से पहले हम किधर जाएंगे, एक्स की तरफ, तब बाद में वाई की तरफ, क्योंकि पहले एक्स पड़ता है उसके बाद वाई पड़ता है। तो पहले एक्स की तरफ बढ़िए भाई, एक्स किधर है, ये है ना, देखो तो बढ़ो, ये पाँच, पाँच को दिमाग में रखिए पाँच। अब सी से वापस आ करके फिर वाई की तरफ चलिए, माइनस पाँच, माइनस पाँच है ना, तो पहले प्लस पाँच उसके बाद माइनस पाँच, क्योंकि पहले एक्स वाले का नाम लेना है फिर वाई वाले का। तो सी से पहले एक्स की तरफ देख लीजिए पाँच, सी से वाई की तरफ देख लीजिए माइनस पाँच, यानी पाँच कामा माइनस पाँच, पाँच कामा माइनस पाँच, ए बी का निर्देशांक सी का निर्देशांक हो गया। अब आप पूछ रहा है तीसरे सवाल में कि निर्देशांक माइनस तीन कामा माइनस पाँच द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन है, माइनस तीन और माइनस पाँच पर कौन है। तो पहले एक्स पर माइनस तीन खोजिए, ये एक्स है, इस पर माइनस तीन खोजिए, एक दो तीन, माइनस तीन वाली लाइन लेकर चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। अब फिर वाई पर माइनस पाँच, एक दो तीन चार पाँच, तो ये देखिए ये यहाँ आ गया और ये माइनस तीन वाली लाइन यहाँ, माइनस पाँच वाली लाइन यहाँ, ई को बता रहा है, किसको, बिंदु ई को। तो यहाँ पे लिखेंगे ई, तीसरे का उत्तर क्या हो गया, ई, समझ गए, तीसरे का उत्तर ई हो गया। अब हमारा चौथा सवाल है इसी में, कहता कि निर्देशांक दो कामा माइनस चार द्वारा पहचाना गया बिंदु, पहले यक्स पर प्लस दो चलो, वाई पर माइनस चार।
तो एक्स पर प्लस दो चलिए यहाँ आ गए, वाई पे माइनस चार चलिए, ये देखिए ये माइनस चार है ये दो है, तो दोनों का मिलन कहाँ होगा, यहाँ पर। माइनस चार वाला चलेगा ऐसे और प्लस दो वाला चलेगा ऐसे, दोनों एक दूसरे से कहाँ मिलेंगे, जी पर। किस पर, जी पर। तो यहाँ लिखेंगे जी। पांचवा सवाल क्या कहता है इसका, ध्यान से देखिए। पांचवा कहता है डी का भुज, डी का भुज, भुज मतलब सिर्फ एक्स वाला बताना है, डी जहाँ पर हो वह एक्स से कितना दूर है ये बताना है, ठीक है। तो डी तो यहाँ पर है, तो एक्स अक्ष पे आ जाओ भाई, भुज का मतलब एक्स समझना है, भुज का मतलब एक्स, तो डी से एक्स पे चलो कितना, छः है, तो लिखेंगे छः। क्या लिखेंगे उत्तर में, छः। अब छठवा सवाल देखिए, इसी का छठवा मैं बता रहा हूँ। बिंदु एच की कोटि, सॉरी हाँ बिंदु एच की कोटि बताना है, फिर यल के निर्देशांक, एच की कोटि, एच की कोटि है, कोटि मतलब होता वाई, सिर्फ वाई, एच के लिए सिर्फ वाई, एच कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो एच यहाँ पर है तो वाई एच पे, वाई एच कौन है, ये ना, तो सीधे ये लाइन पकड़ के सर देना वाई के पास चले जाओ, तो ये कितना है, माइनस तीन है, समझ गए ना, एच वाली लाइन पकड़ के वाई पे चले जाओ, वाई की तरफ देखो, क्यों वाई, क्योंकि पूछा है कोटि, कोटि का मतलब वाई वाला होता है निर्देशांक, तो कौन हो गया, माइनस तीन, माइनस तीन। अब बेटा सातवां सवाल इसी का, सातवां सवाल में पूछ रहा है यल के निर्देशांक, यल मतलब कहाँ पर है यल, इसमें यल कहीं है क्या, यल के निर्देशांक, यल तो मुझे चित्र में दिख नहीं रहा, अच्छा हाँ है, सबसे ऊपर बना हुआ यहाँ पर है, इसमें है यल, ठीक है ना, ये यल है, ठीक है। और एम भी दिया है, एम ये जो माइनस, देखिए मैं चित्र बनाना भूल गया था, ये चलिए एल के निर्देशांक बताना, फिर एम के, ये एम है और ये यल है, तो जब यल किस, यल वाला बिंदु किस अक्ष के ऊपर है, वाई अक्ष के ऊपर है ना, यहाँ तो एक्स का नामो निशान भी नहीं है, तो सिर्फ वाई पर है ये, तो गिन लो एक दो तीन चार पाँच और ये छः पड़ेगा, एक दो तीन चार पाँच यहीं तक है, एक खाना और आगे बढ़ोगे तो छः पड़ेगा, तो वाई का वैल्यू छः, एक्स का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, तो हम उसकी जगह पर जीरो लिख देंगे, हाँ एक्स की जगह पर जीरो, वाई की जगह पर छः। अब हमारा आठवां सवाल, एम के निर्देशांक यानी इसका, तो ये सिर्फ एक्स के ऊपर है, ये बिंदु किसके ऊपर है, एक्स अक्ष के ऊपर है, तो भैया गिनते हुए आओ यहाँ पे एक दो तीन, लेकिन माइनस तीन, तो माइनस तीन वाई का तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो जीरो लिखेंगे वाई को, तो माइनस तीन कामा जीरो, समझ गए। जब ये बिंदु किसी अक्ष के ठीक ऊपर रहेंगे तो उस अक्ष का मान लिखेंगे, बाकी दूसरे अक्ष का मान जीरो लिखेंगे। देखो इस पर वाई नहीं था तो मैंने वाई का मान जीरो लिखा है, ठीक है, और एक्स का मान माइनस तीन तो दिया ही है, समझ गए। इसी तरह यल के लिए इस पर वाई था, एक्स नहीं है, तो मैंने एक्स को जीरो लिखा, वाई को छः लिखा, देखिए यहाँ पर जीरो छः, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर मेरा पुराना वीडियो आप देखे होंगे, पुराना क्या, मैं जो पढ़ा रहा हूँ कक्षा 9 का तीसरा चैप्टर, शुरू से अगर सारा वीडियो जो भी बच्चा देखा होगा वो पूरा समझेगा। आप लोगों में से कोई बच्चा अगर मेरा सारा वीडियो शुरू से देखना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल कर देना, सारी वीडियो आपको शुरू से मिल जाएगी, आपको कहीं कोचिंग वोचिंग नहीं करना पड़ेगा, 75-25-81-38, ठीक है, इस पर कॉल करके ले लीजिएगा, क्लियर। चलिए अब मैं बढ़ूँगा आगे।